आपके सामने आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं फिर से आपका ये हिंदी साहित्य का विकास का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया था, हिंदी साहित्य का विकास का कालक्रम टोटल मैंने उसमें समझाया था, कौन कौन सा काल किस टाइम में था, कितना उसका अवधि था और कितने वर्षों तक चला था, सारी चीज़ें डिटेल में बताया। पूरा ब्रांचेड ए टू जेड कंप्लीट था, यानी आप यहाँ तक दे सकते हैं अब तक यानी नवलेखन कविता तक, जो नई कविताएं होती है वहाँ तक हमने पूरा विकास बताया था। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, इस वीडियो को जो इसके पहले बनाए थे, तो आप समझ लेंगे, इन स्क्रीन पर मिल जाएगा, आई बटन पर भी वेट करती रहेगी मिल जाएगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आपका 100% कोई भी हिंदी विकास का ऐसा कोई पार्ट नहीं बचेगा जो उसमें समझ में ना आए। पूरा का पूरा हमने समझा दिया था, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीन काल में हमने बांटा था। मध्यकाल को दो पार्ट में, जिसको बोला जाता है पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, भक्तिकाल और रीतकाल। और अगर हम भक्तिकाल की चर्चा करते हैं तो भक्तिकाल में दो धाराएं होती हैं, एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति में दो पार्टीशन होते हैं, रामासराय कृष्णासराय यानी राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति में होता है ज्ञानासराय शाखा यानी संत काव्य धारा, और आपका होता है प्रेमासराय शाखा सूफी काव्य धारा। ये हो जाते हैं भक्तिकाल। और रीतकाल में होते हैं तीन, आपका रीतिबद्ध, रीतसिद्ध और रीतमुक्त काव्य। उसके बाद आ जाते हैं आधुनिक काल में, जिसको हम आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। और एक बात यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं गद्य काल को ना, तो इसमें गद्य काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गद्य वाले पर रचनाएं हुई हैं, चाहे वो गद्य के रूप में देखें, चाहे आप पत्रकारिता देखें और चाहे आप कहानी देखें, नाटक देखें, सभी गद्य के रूप में ही हुई। तो काव्य भी हुआ है, पद्य भी हुआ है, लेकिन इतना नहीं जितना गद्य का हुआ, इसीलिए इसे गद्य काल कहा जाता है। और गद्य काल यानी आधुनिक काल में हमारा इतना पार्ट होता है, जो मेन अगर मेनली देखते हैं तो भारतेंदु युग आता है, जिसको हम पुनर्जागरण काल या जागरण काल कहते हैं, यानी नवजागरण काल कहते हैं। द्विवेदी युग को हम जागरण सुधार काल कहते हैं, पहले यहाँ पर जागरण हुआ, नवजागरण हुआ, उसके बाद यहाँ पर उसका जागरण का सुधार हुआ, यानी इसको इस काल का। और सन सभी देख सकते हैं कौन से ईस्वी में है। और उसके बाद आता है छायावादी युग यानी शुक्ल युग, और उसके बाद छायोदत्तर युग यानी शुक्ल युग उत्तर युग। अब इनके दो तीन पार्ट होते हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नवलेखन। तो यहाँ से आपका ये कार्यक्रम खत्म हो जाता है। और अब इन सबके हम जो है लेखक आज इस वीडियो में बताएंगे कौन कौन से लेखक इंपॉर्टेंट हैं। पूरा ए टू जेड आपको कंप्लीट आपको मिल जाएगा, चाहे आप 12th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे जिस क्लास में हो, आपको मिल जाएगा पूरा वीडियो। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, पहला वीडियो भी देख लीजिएगा, दोनों वीडियो को धक्कार से आपसे पूरी तरीके से आप जितम लगा कर शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अपने बच्चों को भी अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, यहाँ पर एकदम बेसिक जानकारी हम दिए हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए इसको हम एक बार रफ करके हम आपके सामने यहाँ पर दर्शाते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपके सामने हमने पूरा रचना लिख दी है, कहाँ तक आपका यहाँ पर द्विवेदी युग तक लिख दी है। छायावादी युग अभी बचता है, छायोदत्तर युग, दो युग के रचनाकार बचते हैं, उनकी कुछ कविता संग्रह नाटक जो कुछ भी हैं सब बचते हैं, वो यहाँ से कहाँ से द्विवेदी युग के बाद से। यहाँ तक मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे एक बार, तो जो भी आपके क्वेश्चन में आएगा इसी में से आएगा, इससे बाहर तो नहीं आने वाला। एक बार देखते हैं, सबसे पहले आदिकाल आता है। आदिकाल जो सबसे पहला काल है उसमें आपके जो मेन इंपॉर्टेंट है वो वीरगाथा काल कहा जाता है। इस वीरगाथा काल में केवल दो ही ऐसे हमारे रचना है, एक पृथ्वीराज रासो जिसको चंद्रदाई ने लिखा, उसके बाद खुमार रासो जिसको दलपत विजय ने लिखा। दो बहुत ही आते हैं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो और खुमार रासो। और भी इसमें बहुत प्रकार के जो रासो नाम से हैं उनको याद करना है कि रासो नाम से ऐसे समझ लीजिए आदिकाल की रचना है। अब हम आते हैं मध्यकाल यानी भक्तिकाल, इसमें होता है रीतिकाल होता है। तो भक्तिकाल में हमें पता है इसमें राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, तो सभी चार प्रकार की कैटेगरी हैं जिसको हम सगुण और निर्गुण में बांटते हैं। तो सगुण वाला आपका हो जाता है ये दोनों, और निर्गुण वाला हो जाता है ये दोनों। तो इन सब के अलग अलग हम वहाँ पर समझाए हैं पहले पार्ट में कौन सा क्या होता है, हमें इसमें लेखक बताना है। तो संत काव्य में आपका आता है जैसे कबीरदास जी थे, कौन से थे आपका यहाँ पर कबीरदास थे, ठीक, कबीरदास हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर मलूकदास हो गया। कबीरदास की बीजक में आपका साखी सबद रमैनी तीन फेमस हैं, उसके बाद ज्ञान बोध मलूकदास का, दो हम समझते हैं कि संत काव्य में है। उसके बाद सूफी काव्य में आपके कौन कौन से आते हैं, आपके जायसी आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत लिखे, रूप मंजरी नंददास ने लिखा, और आलम ने लिखा चित्रावली, क्या चित्रावली, चित्रावती है, ठीक है। यहाँ पर पद्मावत जायसी ने लिखा, याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है, रूप मंजरी नंददास दोनों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और पृथ्वीराज चंद्रदाई जो वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बताता चलूँगा।
कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जो है आपका सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूरदास, ये हैं आपके चार। सूर सागर, सूर सरावली, सूर साहित्य लहरी, सूर से मतलब जितने भी हैं सभी ये सूरदास ने लिखा था। किसने लिखा था? सूरदास ने। और गोविंद गीत जो है मीराबाई ने लिखा था और प्रेम वाटिका रसखान ने लिखा था। देखिए सभी के सभी रचनाएं हम नहीं लिखे हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को छांट करके इसमें लिखे हैं और यही आपके पेपर में आने वाला है। रामचरित मानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बैराग संदीपनी, रामलाल नाचु, बारहवें रामायण, ये सब मिलाकर के तुलसीदास ने लिखा है। याद रखना इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद यहाँ पर है भक्तमाल जिसको नाभादास ने लिखा था। ये सभी कौन किस में थे? हमारे राम भक्ति काव्य के थे। मतलब यहाँ पर भक्तिकाल खत्म होता है, इतने में भक्तिकाल खत्म होने के बाद रीतिकाल आ जाता है। रीतिकाल में आपका बिहारी ससई जिसको बिहारी ने ही लिखा था और पद्मावती प्रीति पावस घनानंद ने लिखा। ठीक है, याद कर लेना ये दोनों रचना जो है, ये आपका बिहारी और ये आपका घनानंद, ये दोनों रचनाएँ रीतिकाल की हैं और वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बिहारी ससई बिहारी ने और पद्मावती, ठीक है, पद्मावती आपका घनानंद है। इसके बाद यहाँ पर आप कहा जाते हैं हम यहाँ पर आधुनिक काल में। आधुनिक काल में पता है कि बहुत सारे काल इसमें भी हैं। तो पहला काल आता है भरतेंद्र युग। भरतेंद्र युग को पता है कौन सा युग कहा जाता है, वो सब पिछले पार्ट में। लेकिन यहाँ पर जो लेखक हैं इम्पोर्टेंट, भारतेंदु हरिचंद जी हैं। भारतेंदु हरिचंद का जो मेन इसमें हमारा रचनाकार है, सभी प्रेम से जुड़े हुए हैं। एक बार दिमाग डालिए, प्रेम सरोवर, बिने प्रेम पचासा, प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, और भी प्रेम से जुड़ा हुआ ये है भारतेंदु हरिचंद ने लिखा है। एक बार नोट कर लेना दिमाग में, आपको आ जाएगी रचना। तो यहाँ पर आ जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र, इसमें के ही लेखक हैं, ये भी इम्पोर्टेंट कुछ रचनाएँ हैं। मन की लहर और दंगल खंग, और इसके बाद वर्षा बिंदु, ललित लहरी और श्रृंगार विलास, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मन की लहर। और इनमें आपका प्रेम सरोवर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में पहुँचते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है यहाँ पर देखते हैं, काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुंज, अबला विलाप। तो काव्य मंजूषा और सुमन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हम जितने इंपॉर्टेंट उनको बताएं वही पूछा ही जाएगा और दूसरा नहीं। हरिओध जी हैं, अयोध्या सिंह हरिओध जो हैं उपाध्याय, ये प्री प्रवास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैदेही वनवास इंपॉर्टेंट, बाकी आपका चौखे चौपदे या चुभते चौपदे, इतने आपके इनमें से हैं। फिर आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जिसने लिखा भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया। इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, तीन वेरी इंपॉर्टेंट हैं इनके, तीन इनके वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं अंडरलाइन करूँ तो ये हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका मन की लहर ये हो गया, इसमें आपका काव्य मंजूषा और सुमन हो गया, इसमें आपका प्रिय प्रवास हो गया, वैदेही वनवास हो गया, भारत भारती, पंचवटी, साकेत और यशोधरा हो गया। इसमें आता है रामनरेश त्रिपाठी का आ जाता है मिलन, पथिक और मानसी, तीनों जब कभी भी पूछे जाएंगे इन लेखकों के तो यही सभी में से पूछे जाने वाले जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन की है। ध्यान देना इसमें से आपका ये तीनों हैं ये, ओके, और इसमें से आपका बैराग संदीपनी, रामचरित मानस, बारहवें रामायण, उसके बाद कवितावली। ठीक है, तो इन सबको अब विनय पत्रिका भी है। इतने अगर आपने रट लिए तो इसमें से छूटने वाला आपका नहीं है, इसमें से आपका छूटने वाला नहीं है, ये मान के चलिए। अब हमें जो बच रहा है उसको हम आप लिखेंगे, वो है आपका कौन सा युग, आपको पता है छायावादी युग, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट अब जो युग आ रहे हैं उनमें जो लेखक हैं वही ज़्यादा आते हैं, जो छायावादी युग कहा जाएगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं छायावादी युग के बारे में बताते हैं और सारी चीज़ें आपके लिए लिख के दिखाते हैं। चलिए पहले हम नोट कर देते हैं। छायावादी युग के कवि जो है यहाँ पर लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये युग है। इसमें से जितने भी कवि हैं उनके, जितने भी लेखक हैं उनके सारी रचनाएं अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले छायावादी युग में आपके आते हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की ये सारी रचनाएं याद करना, उर्वशी, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, कामायनी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट और भी रचनाएं हैं परंतु मैं छांट करके इसमें से लिखा हूँ। जो आपका उर्वशी, प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर, कानन कुसुम और कामायनी, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी कोई भी पूछा जा सकता है।
याद रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है अनामिका परिमल गीतिका सरोज स्मृत, याद रखना अनामिका परिमल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुमित्रा नंदन पंत का आता है, सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है ग्रंथी, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, वाणी, पदझर, स्वर्ण धूली, रजत शिखर, लोकायतन, इसमें से आपका पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी या वाणी, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, पतझड़ भी आता है कभी। महादेवी वर्मा का आपका निहार रश्मि वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका निर्जा व सांध गीत ये भी हो सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी इनमें के अगले हैं जो कि पुष्प की अभिलाषा वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी कैदी और कोकिला, हिम तरंगड़ी याद कर लीजिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनका त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, यानी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये हो गया त्रिधारा मुकुल, ये हो गया आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। इतने हमारे छायावादी युग में थे, अब आता है आपका छायावाद उत्तर युग जो कि हम इसी के नीचे यहाँ पर ऐड करते देते हैं और आपको तब दिखाते हैं। यहाँ ये द्विवेदी युग के थे आपके, अपने दिखाई इसी तरीके से हम यहाँ पर बताते हैं। तो इसके बाद आपके छायावादोत्तर युग के बहुत ही कम लेखक हमने ऐड किए हैं जो कि आपके आपके क्लास में यही ज़्यादातर मिलेंगे और कंपटीशन में भी ये मिलते हैं, जैसे कि छायावादोत्तर युग में आपका रामधारी सिंह दिनकर आते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, धूप और धुआं, उर्वशी। उर्वशी और रश्मि रथी कुरुक्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है नागार्जुन। नागार्जुन की रचनाएं हैं प्यासी पथराई आंखें, युगधारा, दो रचनाएं हमने ऐड की है और इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती का अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, तो अंधा युग और कनुप्रिया आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं अज्ञेय की, आप जानते हैं हिरण व शयन अज्ञेय जो होते हैं, उनकी रचना है चिंता, भग्नदूत, हरी घास, क्षणभर और अरी जो करुड़ा प्रभाव मय, तो ये इंपॉर्टेंट है चिंता, भगदूत, हरी घास, क्षणभर, इसमें से अज्ञेय जी का है। तो इसके बाद बहुत सारे रचनाकार हैं जो कि आपके मिलते रहते हैं जिसको हमने नहीं लिखा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हमने सारी की सारी चीज़ें दे दी हैं आपके सामने, अभी दिख रहा होगा पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का मैंने दे दिया। यहाँ पर मैंने लेखक दिया, इसका रचना मैंने पहले ही दिया था, लेखक अभी भी ऐड हुए हैं। ये हमारे द्विवेदी के इंपॉर्टेंट हैं, ये छायावादी के इंपॉर्टेंट हैं, छायावादोत्तर के हैं और ये भारतीय युग के दो लेखक यहाँ पर हैं। सभी के सभी इतना अच्छा से अगर आपको कोई बताया हो तो आपको बता देना कि हाँ हमने आपको बता दिया। और अगर अच्छा लगा वीडियो ना तो पहला वीडियो भी देख लीजिए, दोनों वीडियो को शेयर करिएगा। और इसके बाद हमें जो चैप्टर लाना है, हमें हिंदी में कौन से कैसे चैप्टर को कवर करना है उसको भी हम वीडियो लेकर आएंगे। इंग्लिश को अभी हमें कवर करना है, इंग्लिश को हम देखते हैं जल्द से जल्द, इंग्लिश को भी कवर करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इंग्लिश में करना है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हमारे सेकंड चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर देना है, मेरा सेकंड चैनल डिस्क्रिप्शन है, मास्टर जी मोबाइल टेक्स, सर्च करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उस पर भी हमें सपोर्ट करिए, आप सबका अगर सपोर्ट रहेगा तो अच्छी वीडियोज़ हम लाते रहेंगे, उस पर भी अच्छी अच्छी वीडियो। और टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, सारी चीज़ें आप देख लीजिए एक बार, प्लेलिस्ट भी देख लीजिए, आपको अच्छे लगे तभी शेयर करिएगा। ओके, चलते हैं, आपके लिए ये सारी थी।